मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे किया जाता है आप सब जानते हैं कि सेवन को टू से मल्टीप्लाई किया सेवन टू जो फोर्टीन बिल्कुल ठीक सेवन टू जो फोर्टीन लेकिन जब दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो पॉजिटिव बनते हैं जब दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है वो पॉजिटिव बनते हैं इस तरह से माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाई माइनस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस थ्री आप सबको पता है फाइव टू जो टेन टेन थ्री जो थर्टी मल्टीप्लीकेशन तो वैसे ही होगी जैसे बिल्कुल मल्टीप्लाई आप नॉर्मल करते हैं लेकिन साइन देखेंगे जब तीन बार नेगेटिव साइन आए मल्टीप्लाई में तो रिजल्टिंग नंबर नेगेटिव होगा मतलब कि जब इवन बार आए दो बार आप नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें चार बार मल्टीप्लाई करें छः बार मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव लेकिन जब ऑड होगा तीन नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें या पाँच नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें या फिर सात नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें ऑड वाली नंबर्स में नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिज़ल्ट नेगेटिव नंबर होता है जैसे यहाँ करते हैं माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू माइनस टू माइनस टू वन टू थ्री फोर माइनस टू अब वन टू थ्री फोर फाइव पाँच बार टू को मल्टीप्लाई किया जब हम लोग ऑट बार नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव ही होगा टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट टू ज़ा सिक्सटीन टू ज़ा थर्टी टू तो हमारा आंसर होगा माइनस थर्टी टू और अगर हमने सिर्फ इस वाले टू को काट दो टू टू ज फोर टू जा एट टू जान अब चार नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होगा पॉजिटिव होगा प्लस का सिक्सटीन टू टू जो टू जो एट टू जो सिक्सटीन तब प्लसटीन अगर हम लोग इवन वार नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर पॉजिटिव लिखना है लेकिन अगर ऑड वार नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर नेगेटिव लिखना है चलिए माइनस सेवनटीन मल्टीप्लाई बाई टूज सब जानते हैं आप देखो सेवनटीन टू जोटी फोर लेकिन जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव होगा माइनस नाइन मल्टीप्लाई बाई थ्री सबको पता है नाइन थ्री सा ट्वेंटी सेवन लेकिन जब दो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो तो आंसर पॉजिटिव ही होगा लेकिन जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर नेगेटिव होगा चलिए यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं यहाँ लेती हूँ मैं थ्री मल्टीप्लाई बाई माइनस ट्वेल्व जब एक अब थ्री में साइन तो लगा नहीं इसका मतलब ये प्लस का साइन नंबर के पीछे होता है ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई थ्री सबको पता है ट्वेल्व थ्री या थर्टी सिक्स लेकिन जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस में आएगा नाइन मल्टीप्लाई बाई माइनस फाइव नाइन फाइव जैसे सब जानते हैं फोर्टी फाइव लेकिन नाइन क्या है नाइन प्लस का नंबर है जब एक प्लस प्लस नाइन और ये माइनस फाइव जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर क्या होगा नेगेटिव होगा चलो फोर्टीन डिवाइडेड बाई टू इसको तो आप ऐसे लिख लो माइनस फोर्टीन डिवाइड का मतलब डिनोमिनेटर में टू सेवन जा फोर्टीन ये माइनस साइन भी साथ में तो हमारा आंसर होगा माइनस सेवन मीनिंग जब एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा माइनस एटीन डिवाइडेड बाई थ्री माइनस एटीन डिवाइडेड बाई थ्री थ्री सिक्स एटीन माइनस का साइन बिल्कुल वैसे ही तो जब हम एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर नेगेटिव में आता है कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहीं देखने पड़ेंगे चलिए यहां देख लेते हैं माइनस नाइन डिवाइडेड बाई माइनस थ्री इसको आप ऐसे लिख लेंगे माइनस नाइन डिवाइड का मतलब ये हो गया माइनस थ्री माइनस नाइन डिवाइडेड बाई माइनस थ्री माइनस ए माइनस साइन कैंसिल हो आउट हो जाता है इट इज थ्री 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 जा नाइन मतलब कि जब दो नेगेटिव नंबर को डिवाइड करें तो आंसर पॉजिटिव होता है माइनस एटीन डिवाइडेड बाई नाइन अब ये माइनस एटीन डिवाइडेड बाई नाइन नाइन टू जॉ एटीन ये माइनस का साइन वैसे ही आंसर में आ जाएगा इट इज़ माइनस टू माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई माइनस टेन माइनस से माइनस साइन कट आउट हो जाता है टेन वन जा टेन टेन टू जा ट्वेंटी तो टू मीनिंग जब जब दो नेगेटिव नंबर्स को डिवाइड करें तो आंसर पॉजिटिव दो नेगेटिव नंबर्स को डिवाइड करें आंसर पॉजिटिव लेकिन जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करें या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर को डिवाइड करें तो आंसर हमारा क्या होता है नेगेटिव